देते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आपके ट्रेनर सर इंजमाम। सर इंजमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सर इंजमाम आप प्लीज आएं और ये बताएं कि एआई चैटबॉट का कोर्स आउटलाइन क्या है और इसकी क्लासेस प्रैक्टिकल होंगी थ्योरेटिकल होंगी, जरा आके बताइएगा स्टूडेंट को। इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ सक्सेस स्टोरी मौजूद है, एआई बैच वन की कुछ सक्सेस स्टोरी है जो कि सर इंजमाम के ही स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से आज वो अपने बारे में भी कुछ बताएंगे इंशाल्लाह, उनको भी हम थोड़ा टाइम देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सर इंजमाम ने जो स्टूडेंट को ट्रेन किया है वो स्टूडेंट किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ना सिर्फ वो स्टूडेंट काम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बल्कि आज वो गूगल डेवलपर कम्युनिटी के साथ मौजूद है और मजीद स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर इंजमाम से, सर इंजमाम प्लीज आप आए और अपने इस सेशन का बकायदा स्टार्ट कीजिए। सर इंजमाम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और दोस्तों। अच्छा बड़ी खुशी हो रही मुझे देख के पिछले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं और सही लाइव सेशन भी हम कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया। तो माशाल्लाह सैलानी ने इतनी जबरदस्त महफिल सजाई है, तो सैलानी की एक बात बड़ी अच्छी है, जब भी सैलानी महफिल सजाता है मजा आ जाता है। अच्छा जरा मेरे ख्याल स्लाइड तो मैं भी लंबी सी बना के लाया था लेकिन सैटरडे इवनिंग है तो आप लोगों को स्लाइड दिखा के बोर नहीं करूंगा मैं। तो हम सबसे पहले ना बात करते हैं कि टाइम की बात करते हैं। आज पहली क्लास है आपकी एक्चुअली इस कोर्स की, आप सब लोग माशाल्लाह इंटरव्यूज आपके हो चुके हैं, टेस्ट आपका हो चुका है और आप लोग इस कोर्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं तो ये आपकी एक्चुअली पहली क्लास है। अच्छा पहली क्लास में डायरेक्ट पढ़ाई शुरू हो जाना तो मजा नहीं आता, तो थोड़ी सी बातें बातें हो जाती हैं पहली क्लास में, तो फिर उसके बाद हम कल से यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पढ़ाई शुरू होगी। अच्छा तो बात करते हैं हम टाइम की। मसला ये है भाई कि टाइम नहीं है किसी के पास भी। हमारे एक टीचर थे बड़े अच्छे मशाद आरदू साहब, उनसे मैंने प्रोग्रामिंग कई दफा पढ़ी थी, तो वो कहते थे कि यार अगर आपको ना कहीं पर टाइम और पैसे में आपकी चॉइस आ जाएगी यार, या तो टाइम लगेगा या तो पैसा लगेगा, तो पैसे लगा देना टाइम को बचा देगा, तो उनकी बात याद रह गई। अच्छा तो टाइम किसी के पास भी नहीं है, टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। अच्छा कि देखो मैंने जो ड्रेसिंग की हुई है ये टी शर्ट जीन्स जो पहनी हुई है, मैं ड्रेस पहन नहीं पहनता, मैं कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता, कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसे कपड़े ना पहनूं जिसमें मुझे इस्त्री विस्त्री करने में टाइम लगे। शूज भी मैंने देखो काउबॉय वाले पहने हैं जिसको ज्यादा पॉलिश वॉलिश नहीं करनी पड़ती, तो टाइम नहीं है किसी के पास भी भाई। अच्छा तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग जो यहाँ आए हैं आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। सैलानी तो वो फ्री में करवा रहा है लेकिन आप सब लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया और आप लोगों को शायद मेरी बात पता नहीं समझ में आए या ना आए, आप सब लोगों का टाइम बहुत कीमती है, शायद मुझसे भी ज्यादा कीमती है। हो सकता है आप लोगों को लगे ना यार मैं तो बिल्कुल ही किसी काम, मतलब बहुत से लोगों को लगता है मैं बिल्कुल ही किसी काम का नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो ये भी समझता है ना और जो वाकई किसी काम का नहीं है उसका भी टाइम बहुत कीमती है। और ये जो आपकी एज है सर, सब लोग माशाल्लाह टीनेजर्स बैठे हैं ना, 30 प्लस भी हैं लेकिन ज्यादा जो 90% मेजोरिटी है वो टीनेजर्स हैं, 20, 22, 24। तो ये जो उम्र का हिस्सा है ना ये वापस नहीं आएगा, एक बार चला गया ना वापस नहीं आएगा। अभी आप सब लोगों के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ा जोश और जज्बा है, 1-8 किलोमीटर भागना भी पड़े तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ही है ना। अच्छा अभी आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब उम्र आगे जाती है तो बॉडी में कहां कहां दर्द होता है, आपको नहीं पता ना, आपने कभी सोचा होगा, आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। तो ये मैं आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ये तमीजी गुफ्तगू है। जब वक्त आगे बढ़ता है तो जाहिर है आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, बाल भी थोड़े कुछ केसेस में बाल गिर जाते हैं, कुछ केसेस में सफेद हो जाता है। तो टाइम कन्वेंस हो गया कि टाइम बहुत कीमती चीज है, ये वापस नहीं आएगा, एक बार चला गया। अच्छा अच्छा टाइम मेरा भी कीमती है, सैलानी जो स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ उसका भी टाइम कीमती है। तो मेरे भाइयों
इस कोर्स में अगर इनरोल हो गए हो, ये कोर्स ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 5-6 महीने का, तो आप बिल्कुल फोकस हो गए जो है ना यहाँ पे पढ़ाई करनी है। अगर आप लोगों ने इस कोर्स में देखो एक सीट आपने कर ली है कैप्चर, एक सीट आपने कैप्चर कर ली ना, एडमिशन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, इतने लंबे प्रोसेस से गुजर के आए हो, एक सीट आपने कैप्चर कर ली है। आप अगर इस कोर्स को छोड़ के जाते हैं तो इस सीट पे कोई दूसरा बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि सैलानी की पॉलिसी है दरमियान से किसी को एडमिशन नहीं दिया जाता, शुरू से दिया जाता है और फ्रॉम स्क्रैच चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस कोर्स को ड्रॉप नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, सैलानी का स्टाफ बैठा हुआ है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आए, तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। मेरा पर्सनल फोन नंबर आप सब लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, अभी हो जाएगा, क्लास में तो होता ही है, सारे स्टूडेंट जितने भी मेरे आज तक के हैं सब लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर मौजूद है व्हाट्सएप। आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ें, हो सकता है कॉल ना उठाऊंगा तो आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ें, जब भी मैं देखूंगा मैं उसका जवाब दूंगा आपको। तो पढ़ाई में कोई मसला है तो मैं हूँ, स्टाफ का कोई मसला है, कोई ऐसा इशू है वो सैलानी के स्टाफ में। तो अगर आपने ये कोर्स ड्रॉप किया तो पहली बात तो आपका जो टाइम है ना वो जाया हो जाएगा, जो आपने इतना टाइम ऑलरेडी लगा दिया वो जाया हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा कयामत वाले दिन ना आपसे सवाल भी होगा इस चीज का कि आपने एक कोर्स में एनरोल किया था, इतने बड़े प्रोसेस आए, सैलानी की एफर्ट्स लगी आपके ऊपर और वो सीट आपने ले ली और फिर आपने उस सीट को जाया कर दिया, तो ये काम नहीं करना, सही है। अच्छा, अब कोर्स के टाइटल पे आते हैं। कोर्स का टाइटल क्या है पता है सब लोगों को? AI chatbot, ऐसे chatbot जो artificially intelligent है, artificial intelligent chatbot, जिसमें दो वर्ड्स है ना, कहा जाता है कि नाम किसी भी चीज के नाम में ना उसकी आधी कहानी उसके नाम में होती है, उसके नाम पर गौर करना चाहिए। हम जरा टाइटल पर गौर करते हैं कि टाइटल हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो AI artificial intelligence, तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है तो आपके जहन में क्या आता है, या आप क्या समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, तो अपना ओपिनियन आप दे सकते हैं, कोई भी आप में से बताए। मशीन जो सीखती है, लर्न करती है, नकली जहनियत, नकली तो नहीं, हाँ नकली कह लो, नकल करती है ना इंसानों की, मसनूई जहानत, ऐसा बिल्कुल सही बताया, गुड, जबरदस्त, मतलब इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे हमारे सामने, तो इंशाल्लाह मजा आएगा क्लास में। देखो अच्छे स्टूडेंट और अच्छा टीचर नसीब से मिलता है, तो दुआ करनी चाहिए, मैं दुआ करता हूँ कि मुझे अच्छे स्टूडेंट मिल जाए, देखो आज मेरी दुआ कबूल हो गई। और आप लोगों को दुआ करनी है कि अच्छा टीचर मिल जाए, आपकी दुआ भी हो सकता है कबूल हो जाए। अच्छा, तो कहते हैं ना एक टीचर को काबिल बनाने के पीछे ना एक स्टूडेंट का हाथ होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब सवाल करता है ना सामने से आड़े टेढ़े और मुश्किल किस्म के, तो टीचर ना जाके रात को फिर खोलता है, पढ़ाई करता है, बैठा अगर मैं ऐसे गया तो जलालत पे क्लास में। अच्छा, तो इसको व्हाट इज AI? अच्छा, AI थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ, आप लोगों ने सही बताया माशाल्लाह। देखो जब किसी मशीन को ना कुछ सिखाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो सीख जाती है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, सीख जाते हैं। अच्छा, ये जो AI है इसके लिए चाहिए होता है डेटा, जैसे अभी सर ने जिक्र किया था कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो पूरी दुनिया में इतनी लोगों ने जो चैट की है ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और दूसरे बहुत सारे कस्टमर सर्विस जो चैट की हुई है, वो सारा डेटा डिलीट नहीं हुआ, सेव है सारा, ठीक है। आपको शायद ये बात पता ही होगी ऑलरेडी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब कोई पोस्ट करते हैं या कोई कमेंट करते हैं या किसी से आप चैट करते हैं, इवन दो कि आप उसको अगर डिलीट भी करते हैं तो वो कंपनी अपने पास से उसको डिलीट नहीं करती है, क्योंकि वो डेटा है, बड़ा कीमती है, वो डेटा कभी भी डिलीट नहीं करती, वो फ्लैग लगा देती है इज डिलीटेड ट्रू, ताकि वो आपको दिखाया ना जाए, ठीक है। और सम टाइम ग्लिच होता है ना कभी सिस्टम में, तो रिफ्रेश करते तो पुराने मैसेज आ भी जाते हैं, हो सकता है किसी के साथ बोलता है भाई ये क्या भाई, ये तो मैंने डिलीट कर दिया था, फिर अगले रिफ्रेश में गायब हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो कोई डिलीट नहीं करता डेटा। तो अगर वो सारा डेटा आ जाए
तो उससे एक ऐसा मॉडल ट्रेन किया जा सकता है कि कस्टमर सर्विस में आप जिस बंदे से बात करते थे उस बंदे की जगह एक मशीन हो जो आपको जवाब दे। और ये है चैटबॉट। चैटबॉट एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी मशीन है जो आपसे बात करती है, ठीक है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। आप उससे सवाल पूछते हैं, अगर उसको उस बात का जवाब पता होता है तो आपको जवाब देगी, अगर नहीं पता होता तो कहती है कि ह्यूमन को ट्रांसफर करो। मजे की चीज है चैटबॉट। अच्छा, अब जरा सा हम एक आते हैं कि क्या हम वो डेटा लाएंगे कहां से? हम तो ये चैटबॉट सीखने जा रहे हैं ना, हम वो डेटा कहां से लाएंगे? हमारे पास तो नहीं है। हमें अगर इम्तियाज का डेटा हमें थोड़ी देगा, या कोई कस्टमर सर्विस से बात हुई है, मोबलिंक पे आपने कॉल की है पिछले 20 साल से, मोबलिंक के कस्टमर सर्विस पे लोग कॉल कर रहे हैं, टेलीनॉर पे कॉल कर रहे हैं, उन सब कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी सेव है, ठीक है, वो लेकिन मुझे तो नहीं देंगे वो, तो मेरे पास कहां से आएगा डेटा भाई? तो इस सवाल का जवाब है एआई एज अ सर्विस। एआई एज अ सर्विस में क्या होता है कि आप खुद से एआई के मॉडल को ट्रेन नहीं करते हैं, बल्कि कोई कंपनी होती है जो हम सीखने ये सीखेंगे ये चीज, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ पूरे कोर्स में ये सीखेंगे, कोई कंपनी ऐसी होती है जो एआई के मॉडल ट्रेन कर देती है और हम उसको जस्ट इस्तेमाल करते हैं और एप्स बनाते हैं, ऐसी एप्स बनाते हैं जो एक कस्टमर या एक एंड यूजर उसको इस्तेमाल करता होगा, ऐसी एप्स बनाते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल एआई एज अ सर्विस, ठीक है। अच्छा, एआई का मॉडल खुद ट्रेन करने के ना बहुत सारे डाउन साइड्स हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है, फिर अगर मॉडल एक्यूरेसी उसमें लाने में भी टाइम लगता है ट्यून करने में। आप इमेजिन करें ना, एक बच्चा होता है छोटा सा, जो जब बच्चा मां के पेट में होता है ना तो वो सुन रहा होता है, उसको आवाज आ रही होती है, जब उसके आसपास लोग बातें करते हैं तो वो सुनता है बकायदा, जब वो उसका एक टाइम होता है तीसरे चौथे महीने में उसमें रूह फूंकी जाती है, बकायदा मूव करता है, तो वो अलाइव होता है एक्चुअली। और जब एक बच्चा अपने इर्द गिर्द की बातों को सुनता है तो जाहिर वो ट्रेन होता है और एक वक्त आता है वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसमें कितना वक्त लगता है? हाउ मेनी डेज और ईयर्स डज इट टेक? एक साल में आमतौर पे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो एक साल में बोलना शुरू कर देते हैं, और जो एवरेज होते हैं उनको शायद 14-15 महीने 18 महीने तक भी लगते हैं नॉर्मली। 18 महीने पैदाइश के बाद, उससे पहले भी 3-4 महीने, तो तकरीबन 24 महीने लगते हैं उसको। 24 महीने में कितने आवर्स होते हैं अभी बताइए? हाउ मेनी आवर्स इन 24 मंथ्स? It's 17,531.64 hours. 17,000 hours लगते हैं एक इंसान को, जो कि सबसे इंटेलिजेंट बीइंग समझा जाता है इस प्लेनेट अर्थ पर, इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट चीज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, उसको 17,000 hours लगते हैं। अच्छा, आपको पता है सोते में भी सुनता है इंसान, सोते में सुन रहे होते हैं ना, यानी चलो प्रूफ देता हूं, अगर सो रहे हो और अचानक बाहर कोई गेट खटखटाता है तो क्या आपकी आंख खुल जाती है? उसका मतलब आप सुन रहे थे, जब भी आंख खुल गई आपकी, तो सोते हुए भी इंसान के जो ब्रेन होता है वो कंप्लीटली उसी तरह काम कर रहा होता है जिस तरह जागते में कर रहा होता है, और इंसान थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाकायदा इंसान सुन रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये 12 घंटे की ट्रेनिंग नहीं है, ये 24 घंटे की ट्रेनिंग है। जो बच्चा सो रहा होता है जब भी वो सुन रहा होता है कुछ ना कुछ उसके आसपास का, और बच्चे की हियरिंग भी बहुत दूर तक की चीजें सुन रही होती है, बच्चे के कान ना बहुत दूर दूर की चीजें भी सुनते हैं। हमारे जब हम टीन एज में पहुंच जाते हैं या मेच्योर हो जाते हैं तो हमारी शायद इस दरवाजे के बाहर जो बात हो रही है वो हमें सुनाई ना दे रही, बच्चे को मोस्ट प्रोबली सुनाई दे रही है क्योंकि उसके कान तेज होते हैं। तो 24 घंटे की ट्रेनिंग अगर हो रही है तो 17,000 hours उसको लग रहे हैं, तो मशीन को ट्रेन करने में भी ना हमें कम से कम डबल तो टाइम लगेगा। तो वो टाइम कोई कंपनी लगा रही है, ट्रेन कर रही है, हमें दे दिया उसने, हम उसको यूज करते हैं। अच्छा, जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें थोड़े से पैसे पे करने होते हैं, क्योंकि एआई एज अ सर्विस के थोड़े से पैसे पे करने होते हैं। अच्छा, शुरू में फ्री भी होता है, जैसे हम जब कोर्स के दौरान जितनी चीजें सीखेंगे उसके कोई पैसे होते हैं तो पे नहीं करना, जब जाहिर कमर्शियली यूज होगा और मिलियंस के हिसाब से उसमें रिक्वेस्ट आएंगी तो फिर जाहिर पे करना भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया कि एआई हम कौन सी पढ़ेंगे। और अच्छा, ये एआई कहाँ यूज हो रही है? ये बिजनेस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब जगह यूज हो रही है। सर ने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि वो स्टोर्स वगैरह में, और आप अक्सर सुनते रहते हैं इस पर, मेरे ख्याल कुछ ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं हो जाती है।
अच्छा, चैटबॉट भी मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया कि ऐसे कंप्यूटर जो इंसानों से बात करते हैं और उसका जवाब देते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आपके सामने ये सीरी एग्जांपल दिखाई, आपके पास कोई भी फोन है, एंड्रॉइड या आईफोन, आप उसका होम बटन थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये नीचे से देखें इसमें सीरी निकल के आती है और एंड्रॉइड के फोन में गूगल असिस्टेंट निकल जाता है। अच्छा, तो ये भी एक किस्म का चैटबॉट है, एक इसके ऊपर लेयर है कि ये बोल के बताता है, ठीक है, चैटबॉट लिख के बात होगी, ये बोल के, तो दिस इज कॉल्ड वॉइस एप्लीकेशंस या वॉइस कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, इससे मैं कोई जनरल किस्म का सवाल पूछता हूँ, व्हाट्स द वेदर राइट नाउ इन कराची? इट्स करंटली क्लाउडी एंड 29 डिग्रीज। इसने मुझे बोल के बताया। एक दो चीजें और रखता हूँ, सेट अलार्म आफ्टर 23 मिनट्स फ्रॉम नाउ। Your alarm is set for 8:04 p.m. इसने कैलकुलेट कर लिया कि आफ्टर 23 मिनट क्या टाइम होगा और 8:04 p.m. पे इसने सेट कर दिया। एक और लगाते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स, जो फौरन बच भी जाए, सेट अलार्म आफ्टर 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। I set your alarm for 7:51 p.m. कितनी फास्ट हो रही है कंप्यूटर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अभी अभी अपना मोबाइल सारा निकालें आप और जाके अभी से 30 मिनट या 23 मिनट बाद का अलार्म लगाएं, तो मेरा ख्याल है इसमें 5 मिनट तो लगेंगे। मैंने 5 मिनट में इतने सारे काम कर लिए, तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि वॉइस कंप्यूटिंग बहुत फास्ट है। तो करें, जरा ट्राई करें, अपने अपने मोबाइल निकाल के होम का बटन प्रेस करें और उसको बोले आफ्टर 5 मिनट में अलार्म सेट करना है, देखें होता है नहीं होता। होम का बटन प्रेस करें, जो भी आपका फोन होगा ना वो असिस्टेंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये जो आप असिस्टेंट इस वक्त यूज कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट और सीरी और मुख्तलिफ, ये उसका मार्केट ट्रेंड है। 2010 में पहली दफा आईफोन में ये वॉइस असिस्टेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सीरी के नाम से, ठीक है। और 2018 की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने दी थी, 2.2 बिलियन डिवाइसेस वो सेल कर चुके हैं इस वक्त मार्केट में। 2.2 बिलियन टोटल 7 बिलियन आबादी है दुनिया की, 2.2 बिलियन आईफोन ये सेल कर चुके हैं। 2018 की रिपोर्ट थी, अभी 3 साल कोविड में भी बहुत सेल ऊपर से ले गई थी, उसके बाद की ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं। अच्छा, उसके अलावा अमेजोन अलेक्सा 2014 में इन्होंने डिवाइस निकाल दी, वो घर में रखी हुई होती है छोटी सी डिवाइस, देखी होगी आप लोगों ने, पाकिस्तान में अभी इतनी कॉमन नहीं हुई लेकिन अब हो रही है ऐसा। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट जो है, जो एंड्रॉइड, हर एंड्रॉइड फोन के अंदर इस वक्त गूगल असिस्टेंट मौजूद है, तो एंड्रॉइड फोन भी तकरीबन 2. समथिंग बिलियन उनके भी एक्टिव यूजर मौजूद है, हर बंदे के पास एंड्रॉइड मौजूद है। तो तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 2.2 बिलियन को छोड़ के बाकी जितने लोगों के पास भी मोबाइल है सब एंड्रॉइड, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सप्लाई है, इस तरह के वॉइस असिस्टेंट की सप्लाई, वो हर बंदे के पास मौजूद है, बहुत वाइड स्प्रेड सप्लाई मौजूद है। इवन दो कि अभी कार के जो डैशबोर्ड है एंड्रॉइड वाले, उसके अंदर भी ये गूगल असिस्टेंट है, आपका जो एंड्रॉइड टीवी है उसके अंदर भी एक बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं तो वो निकल जाता है और आप उससे रिमोट में माइक लगा होता है, बोलते हैं और वो जवाब देता है। अच्छा, सीरी से बात हो गई, गूगल असिस्टेंट से बात हो गई, छोटे मोटे काम भी हो गए, मजा भी आ गया, लेकिन अब क्या गारंटी है इस चीज की, मतलब इसको ऐसा प्रोफेशन क्यों करें? मजा तो आ रहा है चलाने में, यूज करने में, एंटरटेनमेंट की हद तक तो सही है, अभी इसमें कुछ प्रोडक्टिविटी हो भी सकती है या ऐसे ही बातें ही हैं सर, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है, ये भी एक तो सवाल है ना। अच्छा, अभी वो इसके अंदर मैं शायद स्लाइड ऐड करना भूल गया, एक आप सोचलम की हदीस है, वो आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगी आपको। तो कयामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा उस हदीस के मुताबिक
कि इंसान की जूती का तस्मा भी उससे बात करे। और उसमें और भी दो तीन है, प्रेडेटर्स भी बात करेंगे और भी एक दो चीजों का जिक्र करेंगे, तो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, वो मैं स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ। तो अभी तक जूती के तस्मा ने तो बात नहीं किया, लेकिन फोन वगैरह बात करना शुरू हो गया। तो मेरा इस बात पर ईमान है कि एक पॉइंट आएगा जब हर चीज, इसका मतलब ये कि हर चीज बात करेगी ज्योति के तस्मे से, मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे आप इंसानों से बात करते हैं वैसे ये सब आपसे बात करेंगे। मैं अभी इस कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता, मैं मुझे बटन दबाना पड़ता है, मैं इस फोन से इतनी दूर से भी शायद उस तरह बात नहीं कर सकता। तो ज्योति का तस्मा भी इंसान से बात करेगा, कुछ पता नहीं क्या बात करेगा, जब करेगा तो पता चल जाएगा मुझे। अच्छा, एक तो ये हो गई बात, लेकिन ये तो चलो ईमानियात की बात, ग्राउंड रियलिटी भी तो कुछ हो ना। अच्छा, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेस मैंने। अच्छा, ये एक पेंटिंग है, इसमें निंद्राल फैमिली ड्रॉ किया हुआ है, ये मिस्टर वुड एक पेंटर है बड़े मशहूर, उनकी पेंटिंग है। अच्छा, ये निंद्राल फैमिली क्या चीज है, इनको बहुत पुराने जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिले ना, इंसानी खोपड़ियां जो मिली है सबसे पुरानी, तो वो उसको एक नाम दिया हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये निंद्राल फैमिली है। नाम तो उनका पता नहीं क्या था, वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक फर्जी नाम उनको दिया था। तो ये आप देखें, उस पेंटर ने ना उस फॉसिल्स को लेकर ये पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में आप देखें, ये बातें कर रहे हैं आपस में, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाथ जला के संगत कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने उसकी जो खोपड़ी, उसके थ्रोट को देख के ना ये अंदाजा लगाया कि ये कुछ बोलते थे, कुछ आवाजें निकालते थे। जैसे इंसान की ना बॉडी को देख के बहुत कुछ बताया जा सकता है, जैसे आपकी जो वो है ना रीढ़ की हड्डी, बैक बोन, उसको देख के ये बताया जा सकता है कि क्या आप अपनी जिंदगी में हॉर्स राइडिंग करते रहे, ये बताया जा सकता है। क्योंकि जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके हड्डियों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। या अभी के दौर में कह लो कि इसने क्या बाइकर था, ये जिंदगी में बाइक चलाता था या गाड़ी चलाता था, ये उसकी हड्डी को देख के बताया जा सकता है। इसी तरीके से उसके बाल वगैरह देख के ये बताया जा सकता है कि ये किस तरह के इलाके में रहता था, क्या वो समुद्र के करीब था, क्या नाम क्या थी वहां पर। लेकिन फिर हड्डियों में कैल्शियम देख के ये बताया जा सकता है कि किस किस्म की चीजें खाता था, क्या गोश्त खोता ये सब। तो इनके ना हलक का स्ट्रक्चर देख के साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि कुछ बोलते थे, कुछ बात करते थे। और वो जो फॉसिल्स हैं वो 100,000 ईयर्स पुरानी है, ये इसमें नीचे लाइन लिखी हुई है, 100,000 ईयर्स पुरानी है। तो 100,000 ईयर्स हो चुके हैं इंसान को बात करते हुए बोलते हुए। अच्छा, दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये किश टैबलेट्स हैं, अर्लीस्ट राइटिंग, जो मैनकाइंड की आज तक की सबसे अर्लीस्ट राइटिंग है, सबसे पुराना नुस्खा जो मिला है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो ये किश टैबलेट्स हैं। अब इसको अलग से गूगल करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये जो किश टैबलेट्स हैं ना, ये 500 साल पुराना है, 500 ईयर्स ऑनली। तो इससे आपको ये पता चल गया कि इंसान का जो बोलने का एक्सपीरियंस है, बातें करने का, वो बहुत ज्यादा है, और जो लिखने का एक्सपीरियंस है वो जस्ट 500 साल, इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, यही वजह है कि मैं जितनी तेजी से ये बातें करता जा रहा हूं और आप इसको मजे से बैठ के सुनते जा रहे हैं, बड़े रिलैक्स होकर आप सुन रहे हैं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अगर इसी स्पीड से मुझे कहा जाए कि लिखो, नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख सकता इतनी स्पीड से, कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा। हो सकता है कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो लिख भी लेते हैं, लेकिन आमतौर पर ये नहीं होता। अच्छा, यह आपको लिखा हुआ दिया जाए इसी स्पीड से और आपसे कहा जाए पढ़ो इसको, मेरा नहीं कहेंगे पॉसिबल होगा। तो ये वाज़े डिफरेंस है एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि बातें करने का एक्सपीरियंस ज्यादा है हमारा, 100,000 ईयर्स का, बहुत पुराने, बहुत पहले से हम बातें कर रहे हैं, उससे पुरानी राइटिंग मिली नहीं है। ये किश टैबलेट्स हैं, अब ये अप्रॉक्स 500 ईयर्स अंदाजा लगाया लोगों ने। ये शायद मैं कुछ 500 कुछ मैं मिस्टेक कर गया हूँ, बारह ये किश टैबलेट सबसे पुरानी है। आप अलग से गूगल करें, बताएं मुझे किश टैबलेट कितनी पुरानी है, इसमें शायद मैं कोई टाइपो हो गया मेरा, कुछ टाइपो हो गया इसमें मेरा, 5,000 आ रही है शायद, और ये 100,000 है, वो 5,000 है, ये टाइपो हो गया इसमें, 500 नहीं है। थैंक यू। अच्छा, तो वाला डिफरेंस आपने देखा,
कि बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं, लिखा नहीं जाता हमसे इस स्पीड से। अच्छा, और अगर हम आगे हैं इसका एक्सपीरियंस कितना पुराना है, टच स्क्रीन, टच और पिंच गेस्चर्स, जो जेस्चर्स है ना, स्वाइप करते हैं, स्वाइप जेस्चर्स, इसका कितना एक्सपीरियंस हमारा है। 40 साल पहले तो कंप्यूटर ही बने हैं, कंप्यूटर थे ही नहीं आज से 40-50 साल, 14-15 साल पहले तो जो वो जब बने थे तो बिजनेस यूजेस में आते थे। अभी 2000 के बाद ये फीचर फोन वगैरह कॉमन होना शुरू हुए थे, और आईफोन जो पहला आया वो 2007 में आया। अच्छा, उसके बाद आईफोन वो पहली कंपनी थी जिसने टच स्क्रीन वाले फोन इंट्रोड्यूस करवाए, उससे पहले लोगों को टच स्क्रीन का नहीं पता, वो मतलब बटन भी होते थे साथ में टच एंड टाइप होता, फुली टच इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो शायद 20 साल, अच्छा ये देखो अलार्म बज गया, ये वाला जो मैंने सेट किया था वो बज गया, 10 मिनट वाला, मतलब 10 मिनट हो गया मुझे बोलते बोलते। अच्छा, जब मैं आता हूँ ऊपर बोलता हूँ यार थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, कुछ मतलब कुछ सोचा वाली था, मैंने बोलना शुरू करता हूँ तब बोलता चला जाता है। तो इसका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं हमारा, यही वजह है कि आप देखें कितना वाजे फर्क है कि जब मैंने बोल के कंप्यूटिंग की तो कितने फास्ट हुई, और वही काम अगर मैं क्लॉक की एप्लीकेशन खोल के और उसको क्लिक से और पिंच से और टच से अगर करने की कोशिश करता हूँ मुझे ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा ही है? तो ये फर्क आ गया। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो 100,000 ईयर से हम बातें कर रहे हैं, तो उससे इसलिए मैं बातें करने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये एक तो थ्योरी है वैसे ही, मतलब अच्छा बातें मैं बहुत करता हूँ, मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जितनी भी बातें हैं ना इसको जाके गूगल कीजिएगा, क्या कहते हैं, लंबी लंबी भी छोड़ता हूँ। अच्छा, तो ये इसका साइंटिफिक एविडेंस भी आपके सामने मैं पेश करूँ। ये जो बनी हुई है ना बटरफ्लाई, ये बड़ी कॉमन है, आप लोगों ने देखी होगी, मोनाश बटरफ्लाई कहते हैं, ऑरेंज कलर की आमतौर पर आपको नजर आती है। ये इस अमेरिका में एक जगह है मैक्सिको, वहां से ये फ्लाई करते हैं दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में शायद वहां सर्दियां वगैरह मौसम इनके लिए साथदार नहीं रहता, और ये वहां से फ्लाई करके ना पूरे अमेरिका का चक्कर लगा के और वापस दोबारा नवंबर में ये कहां पहुंच जाते हैं, उसी जगह पे पहुंच जाते हैं पूरे चक्कर लगा के। अच्छा, लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि इनकी जो लाइफ होती है ना वो 4-5 हफ्ते से ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा अगर किसी की उम्र होती है तो वो 3-4 महीने उससे ज्यादा नहीं जीती, मर जाते। अब साइंटिस्ट के लिए सवाल ये है कि जहां से ये उड़ते हैं इनको पता कैसे चलता है कि वापस कहाँ जाना है, क्योंकि जो उड़े थे वो तो खत्म हो गए, वो तो रास्ते में एक जनरेशन खत्म हो गई, 2 जनरेशन खत्म हो गई, एक भी नहीं 2 जनरेशन, 12 महीने में 3-3, 6-9, 12, 4 जनरेशन का टाइम बनता है, अगर 4-4 के हिसाब से भी लगाओ तो 3 जनरेशन, तो 3 जनरेशन रास्ते में खत्म हो गई। लेकिन इनके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो इसको क्रॉस करते हैं, वापस अपने पाथवे पे आते हैं, वापस आते हुए भी अगर ऑब्स्टिकल आता है तो उसको भी क्रॉस करके अपनी जगह पर आते हैं। तो ये डेटा इनके पास आता कहाँ से, तो इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, उसमें से एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्रेन, इंसान के ब्रेन में ना एक पार्ट होता है जिसमें एंसेस्टर्स का तमाम डेटा सेव होता है, हर किसी के ब्रेन में ही एक पार्ट होता है, इन एनिमल्स को उस ब्रेन के पार्ट का एक्सेस है, इंसान को भी एक्सेस है लेकिन उस तरह से नहीं है, कभी कभी ग्लिच आता है, आप कभी कभी किसी जगह पर जब जाते हैं तो आपको लगता है यार ये तो मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, डीजा वो उसको कहते हैं, एक फिनोमेना है डीजा वो, आपको लगता है मैं तो पहले भी आया हूँ, लेकिन आपको पता है मैं जिंदगी में शहर में ही पहली दफा आया हूँ। तो और कई दफा मेरे साथ भी हुआ है, आपको भी कभी लगता होगा ऐसे आपने ग्लास पकड़ा पीछे अम्मी ने आवाज दी, आपने कहा ये हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा था मैंने ग्लास और अम्मी ने आवाज दी थी और मुझे इसी तरह गुस्सा आया था यार अभी तो इतनी प्यास लगी हुई थी पानी उठाया, खैर चलो। तो इस एनिमल को ना ऐसे बोला जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि यार ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि उनको उस पार्ट का एक्सेस है, तो इंसान को उस तरह से तो खैर नहीं है एक्सेस, लेकिन आप नोट करें कि जो लकड़हारे का बेटा होता है, जो कारपेंटर का बेटा होता है, उसको कारपेंटर का काम सीखना ही होता है, उसके डीएनए में होता है उसको पहले से आता है, जो बादशाह का बेटा अगर है उसको आप कहीं गाँव में ले जाके छोड़ दें तो वो बादशाह का डीएनए उसके अंदर है, वो कहीं नहीं जाता। तो इंसान के ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें उसका तमाम एंसेस्ट्री का डेटा होता है, और यही वजह है कि क्योंकि इंसान को बोलने का एक्सपीरियंस ज्यादा है,
तो इंसान का एक पार्ट है सबकॉन्शियस, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर है, उसके अंदर वो एक्सपर्टीज स्टोर है। अच्छा, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, तो क्योंकि ये फास्ट है, दुनिया फास्ट की तरफ जा रही है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। अलार्म सेट करने में अगर मुझे 10 मिनट लग रहे हैं तो मेरा टाइम जाया हो रहा है ना, या नहीं हो रहा? टाइम जाया हो रहा है, तो मुझे चाहिए क्विक कंप्यूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर तो हो गए बहुत तेज, लेकिन मसला अभी इस वक्त हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं। इवन दो के अभी पर्सनल लेवल पे जो लैपटॉप्स अब आ रहे हैं मार्केट में, वो इतने कैपेबल हैं कि आज से 10 साल पहले उस उतने कैपेबल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता था। कंप्यूटर इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और इतनी तेजी से प्रोसेसर, लेकिन बॉटलनेक कहां पर है? बॉटलनेक है हम, क्योंकि हमसे इतनी जल्दी जल्दी टाइप होता नहीं है। इनपुट तो चाहिए ना उसको प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए। जो डेली लाइफ की कंप्यूटिंग है, जो मैं फोन निकालता हूँ जेब से और मैं उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ, इसमें बॉटलनेक कौन है? हम है। आपने बहुत सारी जो बड़े उम्र के लोग हैं, हर वक्त मोबाइल के अंदर सर डाला होता है, तो वो क्यों किया हुआ? वो इसलिए किया हुआ होता है कि इतने सारे ऑपरेशन करने हैं, किस तरह से रखना होता है, तो बॉटलनेक हम है। अच्छा, तो हमारे बॉटलनेक का सॉल्यूशन है वॉइस कंप्यूटिंग और चैटबॉट्स। अच्छा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी इसको हम करते नहीं, अभी अगली क्लास में देखेंगे। ये मेरा फोन नंबर आ गया और फेसबुक भी आ गया साथ में, और ये लिंक्डइन भी आ गया। ये सब आप लोग नोट कर रहे हैं अपने पास फोन नंबर। अच्छा, और जितनी मैंने बातें की हैं लंबी लंबी हिस्सा बता लेगा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, 2 मिनट है। अच्छा, हम ना इस कोर्स में क्या सीखेंगे? इस कोर्स में जैसे आपने जो अभी गूगल असिस्टेंट इस्तेमाल किया ना, सीरी, अलेक्सा, हम इन डिवाइसेस को प्रोग्राम करेंगे अपने काम करवाने के लिए। जैसे पिज्जा की शॉप है, उसको मोबाइल ऐप तो है उसके पास, पिज्जा शॉप के पास, लेकिन अब वो चाहते हैं कि गूगल असिस्टेंट पे जाके बंदा बोले टॉक टू केएफसी और केएफसी से बात करें, केएफसी बोले मुझे पिज्जा दे दो, फला फ्लेवर का दे दो। तो इस तरह की ऐप्स हम बनाना सीखेंगे इस कोर्स में। अच्छा, जिस तरह मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन की मार्केट में जॉब्स हैं, इसी तरह चैटबॉट की भी जॉब्स हैं मार्केट में, और ना सिर्फ लोकल मार्केट में, होता कम है अभी क्योंकि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अभी न्यू है, लेकिन फ्रीलांस में क्योंकि बाहर से काम आता है, फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म फाइवर और अपवर्क हैं, उसके अंदर आप इजीली जॉब हंट करके और बहुत कम कॉम्पिटिशन में जॉब हंट करके आप काम फौरन शुरू कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ यहाँ पे अभी हैं बैठे हुए स्टूडेंट्स पुराने, तो वो जब आएंगे तो वो आपको अपने बारे में बताएंगे कि ये कोर्स करने के बाद उन्होंने फाइवर पे और अपवर्क पे किस तरह से काम पकड़ा, कैसे उन्होंने पैसे कमाए, और अभी इनका कोर्स खत्म हुआ शायद ज़्यादा महीने से हुआ, 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने हुए इनका कोर्स खत्म हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह की ऐप्स बनाएंगे जो इंसान से बात करें, और वो ऐप रियल ऐप्स होंगे। ये मतलब AI भी बहुत सारी ना इमेजिनरी ऐप्स है, AI की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन AI जब सीखते जाते हैं तो वो ब्लैक स्क्रीन पे नंबर ही लिखे हुए आ रहे हैं कुछ। ठीक है, तो दिस AI इज रियल, ये मार्केट में मौजूद है, डायलॉग फ्लो के नाम से ये प्लेटफॉर्म है जो हम यूज करने जा रहे हैं, और अलेक्सा स्किल किट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वो दोनों इसमें सीखेंगे चालू। ठीक है, लेकिन दिस AI इज रियल, ये कोई कहानी किस्से नहीं है, ये बनी हुई ऑलरेडी ऐप्स हैं। आप मेरी गिटहब में जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारा मिल जाएगा जी। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं होता है, माइंड अप करते हैं। जुरेन भाई, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच सर। और अब हम कुछ हमारी सक्सेस स्टोरी है, उसमें से एक से दो बस यहाँ बुला के वो बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि उन्होंने क्या सीखा और आज किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। सो सर इंजमाम ने बैच 1 में पढ़ाया, और ऐसा पढ़ाया कि वो ना सिर्फ फील्ड में इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, बल्कि डॉलर में अर्निंग भी कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने बताया कि सर जो चीज़ मैंने खुद सीखी है ना, वो मैंने अपने तक नहीं रखी। सर मेरी कोशिश है कि इस तरह से जो भी मैंने सीखा है कि वो ऐसे स्टूडेंट जो इतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं कर सकते थे, सर मैं उनको सिखाऊँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 स्टूडेंट को मैंने सिखाया,
सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमार आप प्लीज आए और अपने बारे में बताएं और क्या क्या सीखा और किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, प्लीज हमार आए। मैं भी इसी तरह आप लोगों की तरह तकरीबन 6 महीने पहले से बैठा हुआ जहाँ से इंटर मार्केट सेक्टर से करा था, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि यार ये AI क्या होती है। इससे पहले मैं नॉर्मल बस सेमेस्टर का स्टूडेंट था और मुझे इतने ज़्यादा प्रोग्रामिंग और AI के बारे में पता था। तो खैर जैसे ही कोर्स स्टार्ट हुआ मैंने काम करना शुरू किया फॉर्म तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद मैंने फ्रीलांस मार्केट प्लेस से सर्च करना शुरू किया कि भाई जो चीज़ें मैं सीख चुका हूँ उसको देखूँ ना कि भाई किस तरह मार्केट में इसकी वैल्यू। तो मैंने गिग्स वगैरह बनाए फाइवर पे और ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट विन किया फाइवर पर, ठीक है। उसके बाद तकरीबन कोर्स के एंड तक मैंने 3 से 4 क्लाइंट्स इंटरनेशनली फाइव स्टार रिस्पॉन्स के साथ कंप्लीट किया। तो जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर आई, गूगल डेवलपर्स की कम्युनिटी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो उन्होंने कहा कि यार ये गूगल का प्रोडक्ट है, आप क्यों ना इसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको लोगों को बताएं कि डायलॉग थ्रू इटसेल्फ है। तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऑलमोस्ट तकरीबन स्टार्ट में 30 स्टूडेंट्स ने उस कोर्स को इनरोल किया और एट द एंड ऑफ द कोर्स तकरीबन 12 से 13 स्टूडेंट्स वो थे जो कि गूगल के प्लेटफॉर्म से सर्टिफाइड हो गए थे डायलॉग थ्रू। अलहमदुल्ला इंस्ट्रक्टर मैं था और मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे वो सरजमान थे। अच्छा 2-3 बातें मुझे जो आप लोगों से करनी है कि जैसे सर जमान ने कहा ना कि आप लोगों ने जो टेस्ट क्लियर किया है तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को मौका दिया है कि आप लोग इसको यहाँ पर आते हैं आपको प्रूव करो कि बाकी जो टेस्ट में नहीं, ऐसे बहुत सारे आप लोगों के दोस्तों के जो टेस्ट में आपके साथ होंगे और उन्होंने टेस्ट नहीं क्लियर किया तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को सेलेक्ट किया है कि आपको चाहे जाकर करो। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी करना चाहो 2 चीज़ें आपको अपने जहन में रखो, एक अपने घर वालों को आपको चेंज करना है और दूसरा पाकिस्तान का फ्यूचर चेंज, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव वाइब लानी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे होंगे कि बहुत ज्यादा आप हसल करोगे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे आपको इतना नाम नहीं मिलेगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि यार फला बंदा इतना मतलब यानी हाई लेवल पे जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हर एक वर्क सेट किया हुआ है कि इस बंदे को इस टाइम पे एक उरूज मिल रहा है, हर बंदे को उरूज मिल रहा है और हर बंदे को जवाल आएंगे, ये एक नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो आपने कभी डीमोटिवेट नहीं होना है। बाकी मैं यही कहूंगा कि सही तमाम से अगर आप पढ़े हो तो आपकी 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो आपकी लर्निंग स्किल। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को टेंशन नहीं कि डायलॉग फ्लो और ये आप, मुझे पता है कि आप लोग आ रहे होंगे लाइव चैट में क्योंकि सर इंतजाम की बहुत जबरदस्त बात है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह या काम वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह करके लाते हो ना तो आपका लाइव सेशन होता है। अच्छा वो लाइव सेशन ये नहीं होता कि बस आपको दिखा दिया बस आपका काम हो गया, वहां पर आपकी मार्केटिंग होती है और इस दौर में ये जरूरी है कि आप जो करते हो उसका पता होना चाहिए लोगों को कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो सर तमाम ये 2 चीजें आपको कवर अप कर देंगे जो कि मेन चीज है, एक तो आपको सिखा दिया और साथ साथ आपकी मार्केटिंग भी होगी, ठीक है। तो आपको किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार इस कोर्स में आके हम क्या सीखेंगे क्या करेंगे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द कोर्स हम कुछ कर पाएंगे कुछ अर्न कर पाएंगे भी या नहीं, तो ये तमाम चीजों की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सर इन तमाम आपको तमाम चीजें शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारे सुनील भाई, हम बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपनी सर्टिफिकेशन करेंगे, इसके बाद आपने कहीं नहीं जाना, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आपके सेक्शन बनाएंगे। सर इंजमान प्लीज आप आ जाएं, हमारे पास AI चैटबॉट की कुछ स्टोरीज हैं जिनकी सर्टिफिकेशन है और उसके साथ साथ वेबल मोबाइल एप्लीकेशन के कुछ स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हमार शेख आप भी आए और सर्टिफिकेट नेक्स्ट है राहिल बेग, राहिल ये भी AI चैटबॉट के स्टूडेंट, इसके बाद फसी अहमद,
अच्छा, ये सब इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट के साथ उन्होंने काम भी किया है और उसके बाद इनको सर्टिफिकेशन के लिए जो है एलिजिबल होंगे। अच्छा, वेब एंड मोबाइल के लिए जरा क्विकली आइएगा प्लीज, मोहम्मद अदनान, इसके बाद मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, ये सर्टिफिकेट तो लिख दिया, मोहम्मद अहमद बेग, इतनी खुशी होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच सर इंजमाम, हम अपनी ऑरिएंटेशन को ये प्लान करते हैं कुछ रूल एंड रेगुलेशन सेक्शन बनाने और अच्छा ये जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले ना सैलानी, आप जब ये कोर्स खत्म करेंगे ना आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा सैलानी, आपको जाके मार्केट में जॉब पकड़नी होगी। ये सारे लोग ना इस वक्त जॉब पे लग चुके हैं, इस वजह से इनको सर्टिफिकेट्स मिले। अब आप बोलेंगे कि यार सर्टिफिकेट नहीं हो तो जॉब कौन देगा, तो भाई इस वक्त सर्टिफिकेट हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि सर्टिफिकेट एक कागज के टुकड़े से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपके क्लास के दौरान पोर्टफोलियो ऐसा बन जाना चाहिए, आपको इस किस्म के टास्क दिए जाएंगे, आपसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे कि जब वो प्रोजेक्ट आप किसी को दिखाएंगे जाके तो आपकी जॉब के लिए वो प्रोजेक्ट काफी होंगे। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें ना, मैं कोई पान की दुकान मैंने लगाई, केबिन खोला, अब मुझे वहां बैठने के लिए बंदा चाहिए। अब मेरे पास कोई आया, उसने कहा मैंने पान लगाने में सर्टिफिकेशन की है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, अमेरिका से मैंने कोर्स किया है पान लगाने को। क्या की बात है। अच्छा, मैं कहूंगा ठीक है, इसको जेब में आप वापस डाल लें, बड़ा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये अमरीका से आपको डिग्री के लिए। अब जरा यहाँ बैठते हैं और थोड़ा सा पान मुझे लगा के मुझे खिलाएं कि मुझे वो आ रहा है पसंद या नहीं आ रहा, बस दूध का दूध और पानी का पानी, तो हम आपको पान लगाना सिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।